सामान्य अवस्था में यूनियन गवर्नमेंट 1 फरवरी को अपना बजट पेश करता है और इस बार भी 1 फरवरी 2024 को एक बजट पेश किया गया, लेकिन यह इंटरिम बजट था और इसका फुल बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। हालांकि फुल बजट में कई सारे टैक्सेशन के मामले में परिवर्तन हुए हैं, चेंजेज हुए हैं, खासकर कैपिटल गेन टैक्स के मामले में। और आज हम चर्चा करेंगे कि इस कैपिटल गेन टैक्स में जो चेंजेज आए हैं इसके कारण इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर स्पेस का क्या प्रभाव पड़ा, क्या ये प्रभाव निगेटिव था या पॉजिटिव था, या इस फुल बजट के कारण, फुल बजट में जो कैपिटल गेन टैक्स का चेंज हुआ इसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये कौन सा गेन शॉर्ट टर्म होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने म्यूचुअल फंड को होल्ड कितने समय के लिए किया है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द होल्डिंग पीरियड। और यदि होल्डिंग पीरियड आपका 12 महीने से कम है तो उसमें जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये तो जनाब डेफिनेशन है कि किस गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, किसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। लेकिन अभी जो परिवर्तन हुआ है 23 जुलाई 2024 को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इसकी जब चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके पहले 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगा करते थे, जो कि अब ये बढ़ के 20% हो गए। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले 10% लगा करते थे, जो कि अब 12.5% लगेंगे, वो भी विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। इसका मतलब सिंपल शब्दों में कि 5 लाख का आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदा और 2 साल में 1 साल तक होल्ड किया, 1 साल के बाद उसको सेल किया, मान लीजिए आपने 7 लाख में सेल किया, तो सिंपली 2 लाख रुपए जो होंगे आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। कहीं कुछ इंडेक्स का बेनिफिट नहीं, सिंपली सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस माइनस करेंगे, जो पॉजिटिव रेट आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और ये निगेटिव आता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। इसके साथ इन्होंने एक और चेंज किया है कि एग्जेम्पशन लिमिट पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए थी, जो कि इसको बढ़ा के 1,25,000 रुपए कर दी गई है। तो इससे ये देखने से एक स्पष्ट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सीधा 15 से 20% का बढ़ाया हुआ है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेशन तो 10% से 12.5% किया हुआ है, लेकिन एग्जेम्पशन लिमिट भी इन्होंने 1 लाख से बढ़ा के 1,25,000 रुपए कर दिए। तो इन दोनों ही गेन का हम एक लाइव एग्जाम्पल लेके हम यही देखें तो हमको ये बातें ठीक ढंग से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमने माना कि 19 जुलाई 2024 को हमने 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और 19/11/2024 यानी आज के दिन इसको रिडीम किया हमने 6 लाख रुपए में। तो इससे ये स्पष्ट है कि शॉर्ट, चूंकि ये होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम की है, तो जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 6 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये 1 लाख रुपए होगा। पूर्व के व्यवस्था के हिसाब से 15% टैक्स लगा करता था, लेकिन अब ये लगा करता था इसके हिसाब से 15,000 का टैक्स लगता, लेकिन अब चूंकि ये बढ़ा के 20% कर दी गई है तो 20% टैक्स 1 लाख का इट कम्स टू 20,000। इसका मतलब ये तो क्लियर कर स्पष्ट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अब नई व्यवस्था में अधिक टैक्स पे करना पड़ेगा। हमारे इस वीडियो से यदि आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है इसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी एक एग्जांपल लेके देखा, जैसे मैंने पहले बताया कि 10 से 12.5% कर दिया और एग्जेम्पशन लिमिट भी 1 लाख से 1,25,000 कर दिया। इसके बारे में कई लोगों को कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व की व्यवस्था ठीक थी, पूर्व में टैक्स कम लगता था। कुछ लोग कहते हैं कि जो नई व्यवस्था है उसमें टैक्स कम लगता है। आज हम इसी बात को एक लाइव एग्जांपल के तौर पे समझेंगे और देखेंगे कि पूर्व की व्यवस्था में कम टैक्स लगा करते थे या जो नई व्यवस्था हुई, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसमें कम टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि 19 नवंबर 2019 को हमने 2,50,000 रुपये इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, और आज के दिन यानी पूरे 5 वर्षों के बाद हमने उस इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम किया, और जो रिडीमशन था वो 5 लाख रुपये का हुआ। इसका सिंपल मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चूंकि ये 1 साल से अधिक की होल्ड किया था, तो जो भी गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ। अब यदि हम पूर्व की व्यवस्था से देखें
पूर्व की व्यवस्था में 1 लाख का एग्जम्पशन था, इसके हिसाब से 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 1,50,000 होता है। और क्योंकि 10% पूर्व की व्यवस्था में टैक्स लगा करते थे, तो 1,50,000 का 10% इट कम्स टू 15,000 रुपये। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में, कि यहां देखा हमने कि 2.5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1 लाख और एग्जेम्पशन जो थे नई व्यवस्था में वो 1,25,000 था। इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 1,25,000, वो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नई व्यवस्था में लगा, और नई व्यवस्था में 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसलिए 1,25,000 का 12.5% इट कम्स टू 15,625 रुपये। ये एग्जाम्पल देखने से हमें यह समझ में आता है कि पूर्व की व्यवस्था में हमें 15,000 टैक्स पे करना पड़ रहा था और अब की व्यवस्था में ये 15,625 रुपये टैक्स पे करना पड़ रहा था। इससे लगता है कि नई व्यवस्था जो है उसमें अधिक टैक्स पे करना पड़ रहा है, पड़ेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। उसमें हमने देखा कि 19/10/2023 को हमने 5 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और 19/11/2024 यानी आज के दिन उसको रिडीम किया, और रिडम्पशन अमाउंट जो था 6,50,000 था। क्योंकि यहां भी देखते हैं कि होल्डिंग पीरियड 1 साल से अधिक का है, तो ये जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 6,50,000 माइनस 5 लाख, ये 1,50,000। जनाब पूर्व की व्यवस्था में 1 लाख एग्जम्पशंस थे, तो 1,50,000 में से 1 लाख माइनस कर दिया तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये 50,000 का बनता है। और चूंकि पूर्व की व्यवस्था में ये 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा करता था, तो 50,000 का 10% 5,000, मतलब पूर्व की व्यवस्था से इस एग्जाम्पल में 5,000 रुपये हमें टैक्स देने पड़ रहे थे। अब बात करते हैं नई व्यवस्था की। नई व्यवस्था में देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 हुआ, बिकॉज उसके कैलकुलेशन में पूर्व की व्यवस्था में और अभी की व्यवस्था में कोई फर्क नहीं हुआ है। लेकिन फर्क क्या हुआ, एग्जम्पशन 1 लाख के बदले अब 1,25,000 हो गया है, तो 1,50,000 में से 1,25,000 माइनस किया तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये 25,000 रुपये होता है, और 25,000 का 12.5% 3,125 रुपये होती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो नई व्यवस्था है उसमें हमें कम टैक्स देना पड़ रहा है, और पहले के एग्जाम्पल में देख रहे थे कि जो नई व्यवस्था है उसमें अधिक टैक्स देना पड़ रहा था, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमें पूर्व की व्यवस्था में 15,000 टैक्स देने पड़ रहे थे और नई व्यवस्था में 15,625, जबकि इस एग्जाम्पल में पूर्व की व्यवस्था में 5,000 और नई व्यवस्था में 3,125 रुपये। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे लिए पूर्व की व्यवस्था बेहतर थी, और इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे लिए नई व्यवस्था बेहतर थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये व्यवस्था अच्छी है, यानी किस व्यवस्था में हमें अधिक टैक्स देना पड़ेगा, किस में कम टैक्स देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपको गेन कितना आया और इसका इसका बराबर कब आएगा। इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।